है विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल विपुल एजुकेशन ने आज अपने 4,500 सब्सक्राइबर यानी हमारा यूट्यूब परिवार विपुल एजुकेशन का यूट्यूब परिवार आज 4,500 सदस्य हो गए हैं। आज आप 4,500 मेंबर हो गए हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल को 4,500 का माइलस्टोन पूरा करवाया है। दोस्तों हम जल्द ही और भी आपके सहयोग से ये माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम जो है कल हमने मनोविज्ञान के जो टॉपिक स्टार्ट किया था बुद्धि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो हमने बुद्धि का अर्थ और विशेष थोड़े बहुत सामान्य परिचय पढ़ा है उसके अब वीडियो का आई बटन आपको वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। कुछ विद्वान मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या डेफिनेशन उन्होंने बुद्धि की दी है, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री मैन की, यानी फ्री मैन की हम चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में आप ने देखा है और नहीं देखा है तो देखने में पता चलेगा कि हमने जो बुद्धि को तीन अलग अलग बताई थी कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो उस जगह उन तीनों स्थानों पर फ्री मैन का नाम आया था। तो फ्री मैन की परिभाषा क्या है कि बुद्धि बुद्धि समायोजन सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्री मैन के अंदर तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। तीनों शब्द जो फ्री मैन के हैं सीखना, अमूर्त चिंतन और आपके समायोजन, सीखना और अमूर्त चिंतन तीनों की परिभाषा फ्री मैन की है। इसके बाद परिभाषा दी है दोस्तों बंकिंगम ने। बंकिंगम की परिभाषा भी हमने पहले देख ली थी, दोबारा देख लो। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा था बंकिंगम ने। किसने कहा था? बंकिंगम ने। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बात दोस्तों किसने कही थी? ये बात बंकिंगम ने कही थी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके बाद बात करिए दोस्तों डियरबोर्न की। डियरबोर्न ने परिभाषा दी कि बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, लाभ उठाने की योग्यता है, उठाने की योग्यता है, योग्यता है। और एक और परिभाषा है टर्मन की। टर्मन की परिभाषा है दोस्तों बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। यह टर्मन की परिभाषा है। तो चारों परिभाषाएं दोबारा देख लो। फ्रीमैन की परिभाषा है बुद्धि समायोजन सीखने अमूर्त चिंतन की योग्यता। किसने कहा? फ्रीमैन ने कहा। बंकिंगम ने कहा बुद्धि किसकी योग्यता? सीखने की। डियरबर्न बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। तो ये चार परिभाषाएं हैं इनकी। एक अलग परिभाषा है बिन्ने मोदे की। बिन्ने मोदे ने बुद्धि के लिए चार शब्द प्रयोग किए दोस्तों। कौन कौन से हैं वो शब्द? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बिन्ने मोदे ने कहा कि बुद्धि इन चार तत्वों के अंदर है। बुद्धि के अंदर ये चार तत्व हैं। कौन कौन से दोस्तों? इसके अंदर ज्ञान भी है, आविष्कार भी है, निर्देश भी है और आलोचना है। तो बिन्ने मोदे ने क्या कहा? बिन्ने मोदे ने कहा कि बुद्धि के अंदर ज्ञान भी है,
बुद्धि के अंदर आविष्कार भी है, निर्देश भी है और आलोचना है। अगली जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की परिभाषा है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ की परिभाषा आपको याद रखने के लिए यह रखने की वुड ये W से शुरू होता है और कार्य भी किस से शुरू होता है, W से, यानी वर्क, वर्क फ्रॉम कार्य। तो ये W और ये W, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। फिर है वुड्रो की परिभाषा। वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये किसने कहा था, ये वुड्रो ने कहा था कि बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये बात कही थी वुड्रो ने। और लास्ट जो परिभाषा है दोस्तों हमारी, हाँ, वुड्रो ने कही कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 7 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फ्रीमैन की परिभाषा देखी, जिन्होंने कहा कि बुद्धि समायोजन अधिगम या सीखने या ऐमूर चिंतन की योग्यता है। फिर हमने बंकिंगम की परिभाषा देखी, उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर हमने डियरबोर्न की परिभाषा देखी, उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। उसके बाद टर्मन की परिभाषा देखी, टर्मन ने कहा कि बुद्धि जो है वो ऐमूर चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं के नाम है। इसके बाद हमने बिन्ने की परिभाषा देखी, बिन्ने ने चार नाम लिए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। वुडवर्थ की परिभाषा में बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुड्रो की परिभाषा में बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो था। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आप सब घर रहें, स्वस्थ रहें।